आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी है सुबह का टाइम और अभी सुबह के बजे हैं 6:07 हो रहा है, ये देखिएगा 6:07 हो रहा है। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस अब मैं जा रही हूँ झाड़ू वगैरह लगा लूँ और फिर जल्दी से भाई दूज की तैयारियों के लिए रेडी हो जाऊँ। और मेरे झाड़ू पोछा का काम तो हो गया है, तो मैंने कहा पहले ब्रश कर लूँ, ब्रश करने के बाद में मंजन ब्रश हो जाए, इसके बाद में फिर चाय वगैरह बनाऊँ जाके, क्योंकि हमें भैया को तो नहीं पीना है, क्योंकि जब तक भैया का टीका नहीं हो जाएगा भाई दूज वाला तब तक तो हम दोनों नहीं पियेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बना दिया जाए, पापा मम्मी ये लोग दवा लेंगे चाय नाश्ता के बाद में। इसलिए तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए आँखों को आँखों को गर्म पानी से धोते हैं गुनगुना पानी करके, तो यहाँ पर मैंने पापा की आँखों के लिए पानी कटोरे में गर्म कर दिया है और यहाँ पर और बाकी लोगों के लिए चाय रख दी है, ताकि और लोग तो चाय पियेंगे ना, तो यहाँ पर इस साइड चाय भी हुई जा रही है और उस साइड पानी, उस चूल्हे में पानी गर्म हो चुका है, मैंने हल्का ठंडा होने के लिए खोल कर रख दिया है प्लेट उसकी हटा दी है, ताकि पापा जब आँखों को धुलते हैं ना तो थोड़ी गुनगुना होना चाहिए। और यहाँ पर हमारी चाय भी सुबह की बनी जा रही है और चाय नाश्ता सबका मैंने करा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक लौकी रखी थी छोटी सी, तो वो वैसे ही ख़राब हो रही थी, लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो पापा छोड़ के कोई पसंद नहीं करता, पापा को बस लौकी की सब्ज़ी पसंद है, तो मैंने कहा ला दलिया बना देंगे तो उसी में लौकी डाल देंगे, तो दलिया फ्राई करके बनाएंगे, मतलब दलिया सारे टमाटर मिर्च ये सब डाल के, तो मैंने उसी में बारीक छोटी छोटी सी लौकी काट दी है और उसमें डाल दी है, तो दलिया के साथ में लौकी को लौकी भी खिल जाएगी। और पापा को दलिया वैसी भी पसंद है और जैसे फ्राई करके छौंक के बनाते हैं ये भी खा लेते हैं, वो दूध वाली तो ज़्यादा उन्हें पसंद है, पर मैंने आज इस तरीके से बना दिया कि लौकी भी यूज में हो जाएगी। और बस दलिया में दे दिया है छौंक और इसमें थोड़ी थोड़ी से हल्के हल्के से मसाले डाल दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल धनिया पाउडर डाल दिया है और टमाटर डाल दिए हैं। और दलिया है तो दलिया पहले से भुना हुआ रखा था, भाभी ने खट्टा भून के रख लिया था, ताकि डेली डेली कौन भूनेगा, तो बस यहाँ पर हमारी दलिया बनी जा रही है, फिर नाश्ते का इंतज़ाम करे दे रही हूँ मैं पापा का, तो फिर मैं आराम से फिर नहाने धोने चली जाऊँगी, और भैया भी नहा चुके हैं तो भाई दूज की तैयारी भी करनी है। और यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सामान भी लगा लिया है भाई दूज के टीका करने के लिए, अभी इसमें दीपक नहीं रखा था तो मैंने दीपक रख लिया है। और यहाँ पर मैं किए दे रही हूँ भैया का टीका, और हम लोगों के यहाँ बस टीका कर देते हैं भाई दूज में, वैसे पूजते नहीं है, जैसे गेट के बाहर मेन गेट के बाहर वो बनाते हैं गोबर से और फिर वहाँ पर घर की महिलाएं बहनें इकट्ठी होकर पूजा करती हैं, उस तरीके से हमारे यहाँ नहीं पूजा होती है भाई दूज की, बस तिलक किया जाता है, शुरू से चली आ रही है मतलब पूर्वजों से, कि वो भाई दूज गुरुद्वार में जो गेट में पूजते हैं वो पूजती नहीं है, बस अपने अपने भाइयों का तिलक कर दिया जाता है। मैंने कल दाल गलाई थी उड़द की, वो मैंने धो ली है अच्छी तरीके से, तो इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं, एक आध छिलके रह गए हैं तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, छिलके भी थोड़ी बहुत छिलकों का भी टेस्ट लेना चाहिए, और इनसे वास्तव में छिलके थोड़ी बहुत छिलके अगर पिस जाते हैं दाल के साथ में तो वास्तव में अच्छा टेस्ट आता है, उनका भी तो कोई टेस्ट होता है, इसलिए फिर मैंने नहीं निकाले, 4-5 बार धुल लिया था जितने निकल गए छिलके, बस उतने ही निकाल दिए हैं। और वैसे तो मैं मिक्सी में पीस थी दाल को, लेकिन मिक्सी में कुछ मिस्टेक है वो चल नहीं रही थी, उसे दिखाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तो बस मैं यहाँ पर सिलबट्टे में दाल को पीस ले रही हूँ, और वैसे तो मैं बगैर पानी डाले पीस रही थी, कि मैंने कि वैसे तो
रात भर फूलती रही है, पिसती आएगी तो मोटी सी पिस रही थी और मुझे महीन सी पीसना था, इसलिए फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लिया था, तो पानी डालकर अच्छी महीन पिस गई थी। अदरक जो मैंने काट के रखी थी उसकी याद ही भूल गई, नहीं तो दाल के साथ में सिलबट्टे में पीस लेती, पर कोई बात नहीं, जो अदरक कूटने वाला खल्लड़ है मैं उसमें बारीक करके कूट लूँगी और दाल में मिला दूँगी। तो ये हमारी दाल पिस चुकी है और बस मैंने इसमें अदरक जो कूटी थी वो भी मिला दी। दाल पानी डाल डाल के पीसी है मैंने, तो कितनी एकदम स्मूथ चिकनी दिख रही है, अच्छी महीन पिस गई है। और यहाँ पर मैंने छौंक दी है सब्जी, तो सब्जी पकती रहेगी। और मैंने आटा लगा कर रख दिया है कुछ देर रेस्ट करने के लिए आटे को, तो सब्जी पक जाए फिर मैं पूड़ियाँ निकालूं। तो यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल एकदम रेडी है, तो मैं थोड़ा सा हाथों में तेल लगा कर इसको मैं और मतलब हाथ से मले दे रही हूँ। और मैंने ये बेड़मी पूरी जो बेड़ई है इसकी कोई रेसिपी नहीं बताई है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार आलू की पूरी के साथ के लिए, और बस अब मुझे निकालना है पूरियाँ। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है और बस अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट पूरियाँ निकाले ले रही हूँ। देखिएगा हमारी बेड़मी पूरी कितनी एकदम फूल फूल कर निकल रही है, और मैंने हल्की मीडियम आंच में सेंकी थी ताकि धीरे धीरे क्रिस्पी होती रहे, और एकदम कुरकुरी क्रिस्पी सेकी थी पूरियाँ। और यहाँ पर हमारा खाना लगकर हो गया है तैयार, बेड़मी पूरी, आलू की सब्जी, खीर और सेव का रायता, बूंदी का रायता नहीं, नमकीन सेव का रायता है। और यहाँ पर हम लोग आए थे शाम को छत में, तो मैं पानी ले आई थी, मम्मी कहीं थी पेड़ों में पानी डालना है पौधों में, गुलाब के पेड़ वगैरह सुबह नहीं डाल पाई थी उनमें, तो मैंने कहा लाओ मैं डाले दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बाल्टी भर के ले आई हूँ नीचे से और पानी डाले दे रही हूँ सब में, और काफ़ी पेड़ों में पौधों में मतलब फूल आ चुके हैं और काफ़ी मैं भी नहीं आए हैं। और बस यहाँ पर हम लोग पानी आने डालने के बाद में पेड़ों में यहाँ बैठ गए हैं, तो बातें चल रही हैं हम लोगों की, और शाम को छत में थोड़ी देर बैठो तो अच्छा लगता है, नीचे कब तक बने रहो। और यहाँ पर मैंने बना ली है शाम की चाय और बस अब मैं सबको दिया हूँ, तो यहाँ पर मैंने शाम की चाय सबको दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।